यूपी बिहार समेत देश के विभिन्न राज्यों में लोक आस्था का महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा समाप्त होते ही इस महापर्व की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। छठ पूजा को प्रकृति की उपासना के रूप में देखा जाता है, जहां फल फूल और अन्य पूजन सामग्रियों का विशेष महत्व है। इस पूजा में बांस से बने सूप और दौरा का महत्वपूर्ण स्थान है। छठ मैया को अर्पित की जाने वाली सभी फल फूल और पूजन सामग्रियां इन्हीं सूप और दौरा में रखकर घाट पर ले जाई जाती हैं। सूप और दौरा बनाने वाले कारीगर इसे बड़ी ही कुशलता से तैयार करते हैं। छठ पूजा संतान के लिए की जाती है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व छिपा हुआ है। छठ पूजा को निसंतान दंपतियों द्वारा संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता रहा है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से संतान की सेहत तो अच्छी रहती ही है, साथ ही उसके जीवन में उसे हर प्रकार की सफलता हासिल हो उसके लिए भी इसे किया जाता है। मूल रूप से देखा जाए तो इस पूजा को संतान के लिए ही किया जाता है, इसलिए छठ में बांस के सूप का प्रयोग करते हैं, जो कि इस बात का प्रतीक होता है कि जैसे जैसे बांस तेजी से बढ़े वैसे वैसे संतान की भी प्रगति हो। यही वजह है कि छठ में बांस के सूप का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बिना पूजा अधूरी होती है। सूप और दौरा के निर्माण के लिए पहले बांस की कटाई की जाती है। कारीगर विशेष रूप से ऐसे बांस का चयन करते हैं जिसमें गांठों के बीच का अंतर अधिक हो। बांस की कटाई के बाद उसे साफ कर टुकड़ों में बांटा जाता है और फिर छोटे धारदार औजारों से पतला पतला बेंट यानी बांस का पतला टुकड़ा निकाला जाता है। इन्हीं बेंटों से सूप और दौरा का निर्माण होता है। एक सूप बनाने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। बांस की कटाई से लेकर सूप की बंधाई तक पूरी प्रक्रिया श्रम साध्य है। दौरा बनाने में भी लगभग यही समय लगता है। सूप बनाने के दौरान इसकी लचक और मजबूती का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा के दौरान सूप में नारियल, गगल, नींबू, अनानास, केला, सेब आदि सहित 20 से अधिक फल और पूजन सामग्री रखी जाती है, इसलिए सूप की मजबूती आवश्यक होती है। साथ ही परंपरा के अनुसार सूप में लचक भी होनी चाहिए, इसलिए इन दोनों बातों का समुचित ध्यान रखा जाता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।